आप देख रहे हैं बीजापुर इन्फो, मैं आपके साथ जाफर कलादगी। लोकसभा चुनाव के लिए जेडीएस कैंडिडेट की हुई घोषणा। बीजापुर जिले से जेडीएस ने नागटान एमएलए देवानंद चौहान की पत्नी सुनीता चौहान को बीजेपी कैंडिडेट रमेश जगजिंदगी के खिलाफ मैदान में उतारा है। लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक राज्य में जेडीएस कांग्रेस गठबंधन के तहत बीजापुर मत क्षेत्र जेडीएस के खाते में आया है। अब देखना यह है क्या बीजेपी कैंडिडेट रमेश जगजिंदगी इस बार जीत की हैट्रिक लगा पाते हैं या फिर जेडीएस कांग्रेस की साझा उम्मीदवार जीत का परचम लहराती हैं। और भी खबरों के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए बीजापुर इन्फो चैनल को। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।